Hello students, welcome back. So we are doing class 9th history chapter number 2, Socialism in Europe and Russian Revolution. In our last part, we have covered how the February Revolution was carried out. And after February Revolution, Tsar Nicholas II abdicated the chair, or after his abdication, new provisional government was formed. और जो ये फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद में नई प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर कुछ आर्मी सोल्जर्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इन लोगों का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था, क्योंकि फरवरी रिवॉल्यूशन के टाइम पर जो मेंशेविक पार्टी थी, मेंशेविक जो पार्टी थी, अभी जिनके लीडर केरेंस्की थे, वो जो है उन्होंने इन तीनों ग्रुप्स का सपोर्ट लेकर के, इन तीनों ग्रुप्स के सपोर्ट से, और एक और इंपॉर्टेंट जो पेट्रोग्राड सोवियत बनाई गई थी, पेट्रोग्राड सोवियत, देखिए जब कैवलरी को बुलाया गया था राजा के द्वारा, उन्होंने म्यूटाइन कर दिया था और लोगों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया, उनमें से कुछ सोल्जर्स ने सोवियत्स के साथ में मिलकर के पेट्रोग्राड सोवियत्स जो है का गठन किया था। तो इसका सपोर्ट भी मेंशेविक्स को मिल गया, क्योंकि अभी तक तो ये भी समाजवादी विचारों पर बेस्ड ही जो है स्ट्रगल कर रहे थे, और ये भी वही डिमांड्स कर रहे थे मेंशेविक पार्टी भी, जो कि बाकी सारी सोवियत्स डिमांड कर रही थी। तो इसलिए फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद मेंशेविक पार्टी को इन लोगों का सपोर्ट मिल गया, इनका ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा, नई प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद, और इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर इन लोगों का प्रभाव बढ़ने से बाकी के जो सोवियत्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट और लैंड ओनर्स का प्रभाव इस पार्टी में, इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में बढ़ने से, वो इस न्यूली फॉर्म्ड प्रोविजनल गवर्नमेंट को ज्यादा फेवर नहीं करते थे। तो फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद एक नई जो सरकार बनाई गई, धीरे धीरे कुछ ही महीनों में लोगों के बीच में ये अनपॉपुलर हो गई। तो कैसे हुआ ये सब? तो देखिए फ्रेंड्स, फरवरी रिवॉल्यूशन के दौरान जब ये सारी कार्रवाई हो रही थी, ये सब इवेंट्स हो रहे थे, उस टाइम पर बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर थे, जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन जो है थे वो एग्जाइल पर थे सर्बिया में, वो देश से बाहर थे, क्योंकि क्रांति से पहले राजा ने इनको एग्जाइल पर देश निकाला दे दिया गया था, इनको अरेस्ट करने के समन्स जारी किए गए थे, तो इन्होंने देश छोड़ दिया था। और जैसे ही फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, तो अगले ही महीने मार्च के महीने में 2 मार्च को राजा ने अपना एब्डिकेशन किया था, और मार्च के महीने में गवर्नमेंट बनाई गई। तो इसी महीने में बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो जो एग्जाइल पर थे, वो वापस रशिया में लौट कर आ गए। और चूंकि ये गवर्नमेंट जो है थोड़ी अनपॉपुलर हो गई, क्यों अनपॉपुलर हो गई? क्योंकि इस पार्टी के अंदर लैंड ऑनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का काफी इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, इनका प्रभाव काफी बढ़ रहा था। तो चूंकि इनका प्रभाव बढ़ रहा था, तो जो भी पॉलिसीज मेंशेविक पार्टी के लीडर केरेंस्की बना रहे थे, वो इन लोगों की एडवाइस पर ही बना रहे थे, क्योंकि वो इन्हीं के सपोर्ट से सत्ता में आए थे, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया। और जो पेट्रोग्राड सोवियत और ऑल रशियन कांग्रेस, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो थी, इन लोगों के सपोर्ट से ही ये पार्टी बनी थी वैसे, लेकिन धीरे धीरे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का और पेट्रोग्राड सोवियत जो थी, इसका सपोर्ट मेंशेविक पार्टी से हट गया। अब उनको समझ में आ गया कि जो नई प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है, वो तो लैंड ओनर्स और एरिस्टोक्रेटिक जो पीपल हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो तो सारी पावर उनके हाथ में चली गई है। तो इस तरीके से पेट्रोग्राड सोवियत और ऑल इंडिया, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स का सपोर्ट इनसे हट गया, और वो सपोर्ट, अब उस सपोर्ट को लेने में अब बोल्शेविक पार्टी के लीडर व्लादिमीर लेनिन जो सक्सेस हुए। एक्चुअली व्लादिमीर लेनिन ने मार्च में आने के बाद, नेक्स्ट मंथ में अप्रैल में, उन्होंने 3 डिमांड्स जो है सरकार से रखी, जिन्हें कहा जाता है अप्रैल थीसिस। तो कौन सी डिमांड्स थी
वो कौन सी तीन डिमांड्स थी जिन्हें कहा गया अप्रैल थीसिस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज अप्रैल थीसिस। सो अप्रैल थीसिस दीज वर थ्री डिमांड्स विच वर पुट फॉरवर्ड बाय व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन हु वाज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी। सो ही पुट फॉरवर्ड थ्री डिमांड्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल 1917 इन फ्रंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। द फर्स्ट डिमांड वॉज ही वॉज डिमांडिंग टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर वन। ये डिमांड कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर वन को बंद किया जाए क्योंकि रशिया इज नॉट इन पोजिशन एंड इन ऑल द फ्रंट्स रशिया वॉज गेटिंग डिफीटेड बाय द जर्मन आर्मीज एंड अदर ऑस्ट्रियन आर्मी ऑटोमन एम्पायर्स। सो दे वर डिमांडिंग टू विड्रॉ फ्रॉम द वॉर। इनकी पहली डिमांड थी कि भैया वर्ल्ड वॉर वन से विड्रॉ कीजिए, बंद कीजिए इस लड़ाई को। सेकेंड डिमांड थी टू नेशनलाइज द बैंक्स। देखिए गांव के एरिया में जो पीजेंट्स थे वो इन लैंडलॉर्ड्स और इंडस्ट्रीज जो थे इनके कर्जे में डूबे रहते थे, हमेशा लोन ट्रैप में, डेट ट्रैप में फंसे रहते थे क्योंकि वो जो साहूकारों से लोन लेते थे उसका हाई इंटरेस्ट वो पे नहीं कर पाते थे और अल्टीमेटली उनकी जो लैंड्स होती थी वो लैंड ओनर्स के कब्जे में चली जाती थी। तो इस तरह के सिस्टम को वो खत्म करने के लिए बैंकों को नेशनलाइज कराना चाहते थे। उनका नेशनलाइज अगर बैंक हो जाएगा तो लोगों को कम इंटरेस्ट पर लोन मिलने लगेगा, फिर लोगों को इन साहूकारों के अंडर में डेट ट्रैप्स में जाने की किसानों को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ही वाज डिमांडिंग नेशनलाइज द बैंक्स। और जो थर्ड डिमांड थी वो थी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ये तीन डिमांड जो थी वो कहलाती हैं अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस। सो ये अप्रैल थीसिस किसने दी थी? ये अप्रैल थीसिस दी थी व्लादिमीर लेनिन ने। यानी ये डिमांड्स किसने आगे रखी थी? व्लादिमीर लेनिन ने। इसलिए इनको कई बार कहा जाता है क्योंकि अप्रैल के महीने में थी तो अप्रैल थीसिस इसको बोलते हैं। कोई पूछे किसने दी थी तो व्लादिमीर लेनिन ने दी थी। और कौन था व्लादिमीर लेनिन? ये बोल्शेविक पार्टी का लीडर था। अब देखिए ये डिमांड सरकार ने मानने से मना कर दिया और अब चूंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सोवियत ने मिलकर के ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो थी वो और पेट्रोग्रेड सोवियत के जो कुछ लीडर्स थे जिन्होंने अब किसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, अब उन्होंने बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट अब उनको रास नहीं आ रही थी। तो उनकी सहायता से अब ये सारी चीजें कंडक्ट हो रही है सितंबर के महीने में। अब देखो जब ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो सरकार ने थोड़े सप्रेसिव मेजर्स को अपनाया, लोगों को अरेस्ट किया गया, जेलों में डाला गया और इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया दोबारा से। जो सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बनने के बाद जो सोवियत को जो है फ्रीडम दी गई थी, लिबर्टी दी गई थी कि आप सोवियत बना सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, अब दोबारा से इसके बाद उन सोवियत को बैन कर दिया गया, सेंसरशिप कर दिया गया न्यूज़पेपर्स वगैरह को ताकि इस तरह के मैसेज जो है लोगों तक ना स्प्रेड हो। और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे गवर्नमेंट को, खास करके बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स थे, उनके लिए समन जारी किए गए। तो इस तरीके की चीजें हो गई, सप्रेसिव मेजर सरकार ने उठाने शुरू कर दिए तो फिर लोग भी आक्रामक हो गए। अब सितंबर के महीने में यह सब चीजें ऐसे चल रही थी, सितंबर के महीने में व्लादिमीर लेनिन ने ऑल रशियन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स इनके रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस पेट्रोग्रैड सोवियत्स के जो सोल्जर्स थे इन दोनों पार्टीज के साथ में और भी बहुत सारी सोवियत्स के साथ मिलकर के एक मीटिंग की। और इन्होंने सितंबर 1917 में मीटिंग में बोला कि इस तरीके से अगर ये सरकार चलती रही तो ये जो सरकार है ये आगे जाकर क्या हो जाएगी, ये और ज्यादा डिक्टेटर हो जाएगी। तो ये तो एक तरह से डिक्टेटरशिप है और उनको ये डर लग रहा था कि कहीं जो केरेंस्की जो है, जो केरेंस्की की गवर्नमेंट प्रधानमंत्री केरेंस्की जो है वो कहीं इतने सप्रेसिव मेजर्स जब वो कर रहे हैं तो एक तरह से डिक्टेटर की तरह रूल कर रहे हैं। तो बाकी जो सोवियत्स थी उनको भी यही खतरा महसूस हुआ कि यस यू आर राइट। तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए?
तो व्लादिमीर लेनिन ने इनको सजेस्ट किया कि हमें पावर सीजर करना होगा, यानी क्या होता पावर सीजर, हमें अपनी ताकत के बल पर सरकार को पलटना होगा, सरकार का तख्ता पलट करना होगा, तो सीजर ऑफ द पावर करना होगा। तो इस सीजर ऑफ पावर के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक मिलिट्री ट्रेन्ड लोगों की एक पूरी मिलिट्री एक आर्मी तैयार की गई जिसे कहा गया रेड्स। तो रेड्स में वो सारे सोल्जर्स वॉलंटरली जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको और फिर बाकी लोगों को जो जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया उनको ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग देकर के एक डिसिप्लिन मैनर में सब चीजों को एग्जीक्यूट करने का प्लान किया गया। और फिर 24 अक्टूबर 1917 को इस ट्रेंड कमेटी ने, इस ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन ने पेट्रोग्राड और सोवियत में जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको घेरना शुरू कर दिया। ऐसे हालात में केरेंस्की को डर हुआ कि अब तो लोग मेरे खिलाफ हैं, तो केरेंस्की जो है अपनी सीट छोड़ के भाग गया, वो अपना सीट छोड़ के भाग गया और ऑर्डर पास कर दिए आर्मी को, फोर्सेस को बुला लिया गया, नेवल फोर्सेस को बुला लिया गया बॉर्डर से, और जो नीवा रिवर है सेंट पीटर्सबर्ग में, नीवा रिवर में एक उनका बहुत ही बड़ा जो शिप था ओरोरा, उसको जो है स्टेशन कर दिया गया, और भी बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर को स्टेशन कर दिया गया पेट्रोग्राड में, लेकिन केरेंस्की जो है सीट छोड़ के भाग गया। अब ऐसे में जब लोगों को पता चला कि ऐसी सिचुएशन चल रही है तो ये लोग भी जो है ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इनके अगेंस्ट में जो लोग लड़ रहे थे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स और पेट्रोग्राड जो सोवियत थे, इन सब की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने इस आर्मी के आने से पहले ही बहुत सारी गवर्नमेंट, बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लिया, और लास्ट में क्या हुआ, केरेंस्की गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया गया और सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को कैप्चर कर लिया गया। फिर एक नई गवर्नमेंट बनाने के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए, लेकिन उन इलेक्शंस में बोल्शेविक पार्टी को मेजोरिटी वोट्स नहीं मिली। अब ऐसे हालात में अक्टूबर रिवॉल्यूशन तो हो चुका है, प्रोविजनल गवर्नमेंट हट चुकी है, इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए लेकिन बोल्शेविक पार्टी को अभी भी मेजोरिटी वोट्स नहीं मिली। ऐसे हालात में व्लादिमीर लेनिन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक प्ले की, उन्होंने क्या किया, मल्टी पार्टी सिस्टम को ही खत्म कर दिया सोवियत में, रशिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम खत्म कर दिया, सभी पार्टीज को बैन कर दिया गया, एक नई पुलिस सिस्टम बनाया गया जिसको कहा गया चीका, यहां पर एक नया पुलिस सिस्टम बनाया गया जिसको कहा गया, एक नई फोर्स बनाई जिसको कहा गया चीका। अभी चीका का काम क्या था, यह मॉनिटर करेगी कोई सरकार के अगेंस्ट क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा है, और अगर कोई भी पार्टी सरकार के अगेंस्ट कोई भी क्रिटिसिज्म चल रहा है या किसी तरह की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अंडर सीक्रेट एसोसिएशन चल रही है तो उनको पकड़ा जाए, अरेस्ट किया जाए। और इस तरीके से व्लादिमीर लेनिन ने 1917 अक्टूबर में सरकार को अपने कंट्रोल में ले लिया और एक नई सरकार बनाई गई, और उस नई प्रोविजनल गवर्नमेंट का नाम रखा गया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ रशिया। तो इस तरीके से दोस्तों रशिया में अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ, और इलेक्शंस कंडक्ट कराने के बाद भी जब मेजोरिटी से व्लादिमीर लेनिन नहीं जीत पाया तो इन लोगों ने किस तरीके से पावर कैप्चर किया, कैसे सीजर ऑफ पावर किया और फिर अपनी सरकार बनाई। लेकिन ये मेंशेविक लोग जिनको हम वाइट्स कहते हैं, जिनको कुछ आर्मी ऑफिसर्स का और लैंडलॉर्ड्स का, इंडस्ट्रियलिस्ट का कुछ सपोर्ट प्राप्त था, और ये जो मेंशेविक पार्टी के लोग थे ना, इन लोगों को फ्रांस, ब्रिटेन और दूसरे देशों से सपोर्ट मिल रहा था। क्यों? क्योंकि बोल्शेविक जो पार्टी के लीडर्स थे ना, वो रशिया के अंदर समाजवाद को स्थापित करना चाहते थे, समाजवादी विचारों को, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्थापित करना चाहते थे, सोशलिज्म को जो है एस्टेब्लिश करना चाहते थे। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो बाकी देश है ना, वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो इस पूरी दुनिया में कुछ पर्टिकुलर ऐसे देश हैं जो पूंजीवादी विचारों को सपोर्ट करते हैं और उनको फैलाते हैं, और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशों के अंदर ये सिस्टम एस्टेब्लिश हो, ताकि उनका मैकेनिज्म जो है, उनका पूरा नेक्सस जो है वो पूरा और ज्यादा सुदृढ़ हो। तो चूंकि रशिया के अंदर ये खतरा हो गया था, रशिया के अंदर ऐसा लगने लगा था कि रशिया में सोशलिज्म, समाजवादी पार्टी आ जाएगी और समाजवादी व्यवस्था लागू हो जाएगी, तो अमेरिका, फ्रांस, ये ऐसे ऐसे देश जो है समाजवादी विचारधारा के अगेंस्ट है, तो इन्होंने बैक सपोर्ट किया मेंशेविक्स को। तो फ्रेंड्स, 1917 के अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद
इन दूसरे देशों की सहायता से मेन सेविक्स जिनको व्हाइट कहा जाता है और बोल सेविक्स जिनको रेड्स कहा जाता है, इन रेड्स और व्हाइट्स और बाकी जो बचे हुए लोग थे उनको ग्रीन्स कहा जाता है, इन तीनों में जो है पावर कैप्चर के लिए एक वॉर शुरू हो गया जिसे कहा जाता है सिविल वॉर। रशिया में 1917 से 1922 तक लगातार बहुत सारे वायलेंट इवेंट्स हुए, बहुत सारे जो है अटैक्स हुए गवर्नमेंट्स के बीच में और जो है पुलिस के बीच में, आर्मी के बीच में, लोगों के बीच में, मेंशेविक बोल्शेविक्स वाइट्स रेड्स ग्रीन्स इनमें बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए आपस में, कई बार तो लोगों की जान चली जाती थी, झगड़े होते थे, आगजनी होती थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में आग लगा दी जाती थी, ऐसे छोट मोट जो है झगड़े पूरे 4 साल तक जो है रशिया में चलते रहे जिसे कहा जाता है सिविल वॉर। और फाइनली क्या हुआ, फाइनली 1922 में बोल्शेविक पार्टी जो है वो मेजोरिटी से जीत जाती है और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, व्लादिमीर लेनिन प्रीमियर बन जाते हैं, देश के प्रधान बन जाते हैं और बाकी सब पार्टी जो है वो हार जाती हैं। और उसके बाद से 1922 में रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई है और उसके बाद से आज तक रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करती है क्योंकि उन्होंने वन पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया। जैसी सरकार सत्ता में आई 1922 के बाद बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई, नए नए प्रोग्राम्स लेके आया व्लादिमीर लेनिन और बहुत सुधार किए और उनकी पॉलिसीज इतनी बेहतर साबित हुई, वो कार्ल मार्क्स की पॉलिसीज को तो सपोर्ट करते थे लेकिन उन्होंने इस सोशलिज्म में थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर दिया। वो सोशलिज्म तो स्थापित समाजवाद का वो पर विश्वास करते थे लेकिन उन्होंने बोला कि समाजवाद में सब लोगों को बराबर अधिकार देकर के सरकार नहीं बनाई जा सकती, कुछ लोगों को पावर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और तब समाजवाद को प्रोपगेट किया जा सकता है। तो इसे कहा जाता है डिक्टेटरशिप फॉर द प्रोलेटेरियट्स। तो ये जो नई तरह का एक सिस्टम यानी सोशलिज्म में एक नया आइडिया, कौन सा आइडिया, डिक्टेटरशिप बट फॉर प्रोलेटेरियट्स। प्रोलेटेरियट्स क्या होते हैं, वर्किंग क्लास, सोवियत सोशलिस्ट लोग। तो यानी कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए लेकिन किसकी होनी चाहिए, लोगों की डिक्टेटरशिप होनी चाहिए और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स देश को चलाएं क्योंकि सब लोगों को बराबर अधिकार अगर देने लगेंगे तो देश बहुत बड़ा है, सरकार चलनी मुश्किल हो जाएगी। कुछ लोगों को अपने हाथ में चार्ज लेना होगा, पावर को अपने हाथ में लेना होगा और पावर को हाथ में लेकर के ही समाजवाद को स्थापित किया जा सकता है। और वाक्य में ऐसा ही हुआ, व्लादिमीर लेनिन ने अपने सत्ता में आने के बाद बहुत सारी ओल्ड एज पेंशन वगैरह स्टार्ट करी, लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की, रिलीजियस लोगों के लिए बहुत सारे चर्च वगैरह ओपन किए, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स जो है इंप्लीमेंट की, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाए गए और जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ वर्किंग आवर्स को रिड्यूस किया गया, वेजेस को इक्वलाइज किया गया, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, लैंड ओनर्स जो बड़े बड़े जो पहले क्लर्जी और नोबल सोसाइटी जो थी उनसे लैंड वापस लेकर के लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो बहुत सारे सुधार जो है व्लादिमीर लेनिन ने किए और इस तरह के सुधारों के कारण, यही कारण था कि 1922 में जब इस तरह के सुधार रशिया ने किए तो उसके आस पड़ोस के बहुत सारे एरिया उन्होंने रशिया को ज्वाइन किया और यूएसएसआर की स्थापना की। यूएसएसआर देखिए, रशिया के साथ 16 और देशों ने ज्वाइन किया, इनकी इतनी बेहतर पॉलिसीज थी कि डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के इस बेहतरीन मौके का फायदा उठाने के लिए अड़ोसी पड़ोसी जैसे लातविया, एस्टोनिया, यूक्रेन, बेलारूस, ऐसे कंट्रियों ने भी रशिया को ज्वाइन किया और इनका एक संघ बनाया गया जिसे कहा गया यूएसएसआर। तो 1922 में व्लादिमीर लेनिन की पॉलिसीज के कारण यूएसएसआर का गठन हुआ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट जो बचा है वो भी मैं अभी बता देता हूं, नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। देखिए 1927 में व्लादिमीर लेनिन की डेथ के बाद में एक जो नए प्रीमियर बने रशिया के वो बने स्टालिन। ये जो स्टालिन थे ना, ये बहुत ही डिक्टेटर टाइप के व्यक्ति थे। जो प्लानिंग व्लादिमीर लेनिन ने की थी, लोगों को इक्वेलिटी जो व्लादिमीर लेनिन ने प्रोवाइड की थी और रिलीजियस इक्वेलिटी जो स्थापित की थी और जो उनको
बहुत सारी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द वर्कर्स जो शुरू की थी स्टालिन ने, उन सबको रीशेप किया। जो लैंड छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, अब रशिया का जो नया प्रीमियर है उसको लगा कि रशिया जो इकोनॉमिकली ज्यादा जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पा रहा, तेजी से ग्रोथ नहीं कर पा रहा, उसका कारण क्या है? स्मॉल पैचेस ऑफ द लैंड्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि जमीनों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया है, इनको कलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक लैंड कलेक्टिव फॉर्म में नहीं आएगी तब तक हम उसमें ट्रैक्टर्स वगैरह या बड़ी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते। तो इनकी पॉलिसी अलग थी। इन्होंने क्या किया? कलेक्टिव प्रोग्राम चलाए। किन्होंने? स्टालिन ने। इसे बोलते हैं कलेक्टिवाइजेशन। तो कलेक्टिवाइजेशन के अंदर जो कोशैक्स थे, कोलखोज क्या होते हैं? बड़े बड़े किसान, बड़े बड़े जो लैंड फार्म्स होते हैं, वो कोलखोज को बनाया गया। यानी कि बड़े बड़े छोटे छोटे लैंड्स को इकट्ठा करके, जो छोटे छोटे लैंड्स थे उनको दोबारा से कलेक्ट करके, कलेक्टिवाइजेशन करके लैंड्स को बड़े बड़े फार्म्स में जो है दोबारा से ट्रांसफॉर्म किया गया और फिर वहां पर प्रोडक्शन करने की नई नीतियां बनाई गई। तो इस तरह की पॉलिसीज जो पहले व्लादिमीर लेनिन ने बनाई थी, उन लैंड्स को दोबारा से रिकलेक्ट किया गया, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम लेके आए स्टालिन और बहुत सारे चेंजेस किए। उन्होंने जो लोग नॉन रशियन जो लोग थे, एथनिसिटी के जो लोग थे, उनको भी काफी सप्रेस किया और बहुत सारा मैसेकर किया गया, बहुत सारे लोगों को मारा गया, ठीक है। और जो क्रिटिसाइज करते थे रशिया के अगेंस्ट, उनके रिसोर्सेज को यूज किया गया। आसपास के जो यूएसएसआर के अंदर जो बाकी कंट्री जो अटैच हो गए थे, उन कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट किया गया, लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को अपनाया स्टालिन ने, जिसके कारण इन्हीं पॉलिसी से परेशान होकर के फिर 1990 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और रशिया के जो 16 देश जिन्होंने रशिया को ज्वाइन किया था वो सब इंडिपेंडेंट सरकार की डिमांड करने लगे और वो सब इंडिपेंडेंट हो गए। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का यहीं एंड करता हूं, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोग कीजिए और मैं भी एक वीडियो बना करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।